हेलो स्टूडेंट्स, अमित कॉमर्स पॉइंट से, और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि लास्ट हमारी वीडियो थी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम लोगों ने कंटेंट, मीनिंग, फीचर्स और डीड के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा इस चैप्टर के उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेंगे कि व्हाट इज पीनल अप्रोप्रिएट अकाउंट और व्हाट इज पीनल अकाउंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और ये क्यों बनाया जाता है, और पार्टनरशिप डीड के अंदर कंटेंट को कैसे इसमें चार्ज और कैसे इसको अप्रोप्रिएट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आगे आगे हम लोग जो वीडियो डालेंगे उसमें आपको आगे बहुत सारा बहुत कुछ कंसेप्ट मिलने वाला, लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट्स को पेशेंस रखना होगा, ना कि ये कि आप अनसोल्व क्वेश्चन कर लें, बस लेसन करे जा रहे हैं, कंप्लीट हो गया, इट्स ओके, लेकिन आपके बेसिक कंसेप्ट के लिए नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों होना चाहिए, है ना। तो मेरा मेन बेसिक मेरा यही है, मेन पर्पस मेरा यही है कि आपको पूरी डेप्थ तक की नॉलेज दो पार्टनरशिप की। हम बहुत इजीली, बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, जिससे आपके सारे क्वेश्चन और सारे एग्जांपल आप डू सेल इजीली, कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो कर सकते हैं। तो चले हम लोग, बहुत अच्छा टॉपिक हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ इसको बेल बजाना ना भूलें, आपको मेरी वीडियो मिलते रहे। कोई बच्चा अगर पर्सनल कोचिंग लेना चाहता है तो मेरी कोचिंग पर ले सकता है, बैच स्टार्ट है, ठीक है स्टूडेंट। तो पढ़े हम लोग आगे, थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमने आप लोगों को लास्ट वीडियो में इसके कंटेंट और पार्टनरशिप डीड पढ़ाए थे। तो कंटेंट और पार्टनरशिप डीड के अंदर जो डीड आपने बनाई, उसमें आपने कंटेंट लिए, ये सारे 18 कंटेंट। अगर कोई भी कंटेंट इसमें से आपने एग्री नहीं हुए, डिसएग्री हो गया पार्टनर, कोई पार्टनर यदि इन कंटेंट को फॉलो नहीं करता है, तो ध्यान से सुने, यदि कोई भी कंटेंट आप डिसएग्री कर रहा है पार्टनर इन फ्यूचर में, या कंटेंट को नहीं माना जा रहा है, तो डीड भले से आपकी रिटर्न हो, लेकिन वह डीड आपकी ओरल कर दी जाएगी। क्या हो जाएगी डीड? वो आपकी ओरल हो जाएगी डीड, ठीक है। तो मैंने लिखा, इफ पार्टनर डू नॉट एग्री ऑन द सेम पॉइंट्स टू रूल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विल बी अप्लाई, और साइलेंट ऑन द सेंट्रल रूल्स दिस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल बी अप्लाई। अब आगे जो मैंने बताया कि रिटन एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस इज वेरी सिंपल। रिटन एग्रीमेंट, इट इज टू बी अलाउड, दैट्स ऑल द फीचर्स, ये सारी चीज़ें अलाउ हो जाएंगी। प्रॉफिट डिवीजन में जाएगा, जो कि इक्वल कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा। यदि कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो इट इज टू बी इक्वल, हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल करेंगे बोथ ऑफ पार्टनर्स में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ, लेकिन ओरल एग्रीमेंट इज नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड, नॉट अलाउड। सैलरी अलाउड, नॉट अलाउड। कमीशन अलाउड, नॉट अलाउड। रेमुनरेशन अलाउड, नॉट अलाउड। बोनस अलाउड, नॉट अलाउड। बट इंटरेस्ट ऑन लोन 6% रिटर्न में, 6% ओरल में। लेकिन ध्यान रखें, 6% अगर रिटर्न डीड के अंदर अगर 9% आ रहा है, तो यू हैव टू चार्ज इन 9%, नॉट टू बी चार्ज इन 6%, ठीक है। रिजर्व रेंट के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये पार्टनर्स वगैरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो आज का जो वीडियो है वो है हमारा मेन ये सिखाने का कि व्हाट इज़ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले हम सीखेंगे इसके मेथड्स और सीखेंगे इसका डिविजन प्रॉफिट। तो देखिए, मेथड्स में तो दो मेथड्स हैं, एक तो है जो मेंटेन करेंगे कैपिटल अकाउंट को पार्टनर, वो करेंगे दो मेथड से, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएट। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम सीखेंगे डिविजन प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स, ये क्या होता है एप्रोप्रिएट, व्हाट इज एप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि जो एप्रोप्रिएट में जो प्रॉफिट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या इसका मेन लॉजिक है। सबसे पहले इसका लॉजिक जानना जरूरी है, जो डेप्थ में हम लोग सीखेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, हम लोग आराम से इसको क्लियर करेंगे। देखिए, आप 11th क्लास में क्या बनाते थे बताएं मुझे, आप 11th क्लास में जब आप थे तो आपने बनाया था फाइनल अकाउंट। व्हाट इज़ फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट मींस द फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से निकलती है। ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। पीनल अकाउंट हमने बनाया क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट पीनल में जाएगा, तो निकलेगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और दिस इज ट्रांसफर इन बैलेंस शीट। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास, तो 12th अकाउंट्स के अंदर हम दोबारा तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये ट्रेडिंग और पीनल और बैलेंस शीट कौन बनाते हैं? प्रोपेटर, यानी कि जो बिजनेस में एक ही व्यक्ति है, बिजनेस एक ही व्यक्ति कर रहा है, वो जो बनाएगा वो कहलाएगा उसका फाइनल अकाउंट। लेकिन जब बिजनेस में हम लोग इस चीज़ को पार्टनरशिप में लेके जाएंगे, तो हम दोबारा ये अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी 11th क्लास में बनाए हैं। यानी कि अब सिंपल समझ में आ रहा है कि अब हम लोग यहाँ क्या बनाने वाले हैं। देखिए, अब देखिए एक नोट है, जब बिजनेस में एक ही ओनर होगा तो नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट दो या दो से अधिक पार्टनर्स में कंट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो देखिए, प्रोप्राइटरशिप्स में ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाएंगे, जबकि एक ही ओनर होगा, बताया मैंने। लेकिन पार्टनरशिप में प्रोप्राइटरशिप नहीं है, प्रोप्राइटर में एक बिजनेस मैन होता है, एक ही ओनर होता है, लेकिन पार्टनरशिप में टू और मोर पर्सन ओनर भी हो सकते हैं। लेकिन अब डीड में एक एम्प्लॉई हो जाता है, दो एम्प्लॉई हैं तो एक ओनर होगा, पार्टनरशिप हम लोग रन करेंगे। तो इसमें हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएट अकाउंट बनाएंगे। देखिए,
मैंने यहाँ पर बताया आपको कि 11th और ट्रेडिंग पीनल और बैलेंस शीट है। देखिए 11th क्लास में बनाया है अपना ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ध्यान से समझे, ठीक, और पीनल अकाउंट, तो वो दोनों हम इस 12th क्लास में कॉपी करेंगे, तो उससे बढ़िया हम इसको बनाते ही नहीं है। हम 12th क्लास में जो हमने 11th में नहीं बनाया था पीएनएल एप्रोप्रिएट अकाउंट, वो हम बनाएंगे। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है जो चीज़ें वहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई हैं वो यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स में, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें एक में यानी प्रोप्राइटर में जाती थी जो ऑनर है बिजनेस का, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ एप्रोप्रिएट के द्वारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी जहाँ पर 2 or more persons होंगी, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट ही बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑनर एक है, तो जो ऑनर है वो सिर्फ अपना ट्रेडिंग पी एन और बैलेंस शीट बनाएंगे फर्म की, लेकिन यहाँ पर पार्टनर 2 or more persons है इसलिए वो अपने पर्सनल अकाउंट मेंटेन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें फिक्स और फ्लैक्सचुएट मेथड आता है, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब समझते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, नेक्स्ट पेज पर देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट है डेबिट और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, सेल्स का लिखते थे आप लोग बाय साइड में, क्लोज स्टॉक बाय में टोटल आता था, यहाँ पर ओपन स्टॉक टू में, परचेस टू में लिखते थे हम लोग, परचेस टू में लिख देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो निकाला है ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, दिस इज़ नॉट ए एक्चुअल प्रॉफिट और नॉट ए डिविजन प्रॉफिट। पहली बात तो ये पार्टनर्स में बांटेंगे नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, एक्स मतलब एक सिंपल ओनर जो प्रोपराइटरशिप चला रहा है अपनी, ठीक है, तो नॉट ए डिविजन प्रॉफिट, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस में, और मैंने लिखा भी नो डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दी पार्टनर्स, ठीक है। अब बनाए हम लोग पी एन एल अकाउंट यानी कि सेकंड अकाउंट, हम लोग आपको बताते हैं, देखिए ये ग्रॉस प्रॉफिट जो वहाँ आ रहा था ट्रेडिंग में, ये आ गया बाय साइड में ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पर बाय साइड में जो भी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, या गेन जो भी है ना, वो यहाँ आ जाएंगे, टोटल लग जाएगा, और यहाँ पर जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे वो हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, और यहाँ पे निकल आएगा हमारा नेट प्रॉफिट, वही नेट प्रॉफिट का जाएगा 11वीं में कैपिटल में जाएगा, लेकिन अब हम आ रहे हैं 12वीं में, तो यही जो नेट प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट जाएगा पी एन एल एप्रोप्रिएट में, समझ में आ गया। और ये पार्टनर्स अकाउंट जो है, पार्टनरशिप जो है उसमें रिकॉर्ड होगा पार्टनरशिप में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया पी एन एल एप्रोप्रिएट में जो हम लोग नेट प्रॉफिट लिखते हैं लास्ट ईयर का बिफोर वाला, वो कहाँ से आता है, पी एन एल अकाउंट से आता है, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप है। अब पी एन एल एप्रोप्रिएट अकाउंट बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसका छोटा सा आपको बता देता हूँ फटाफट। पी एन एल एप्रोप्रिएट अकाउंट ड्यूरिंग ऑफ द ईयर बनेगा, पहली बात। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करना, क्या करना, एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करना, पर्टिकुलर ये कह सकते हैं हम लोग, जो एडजस्ट नहीं हुए उनको एडजस्ट करेंगे पार्टनरशिप में, ठीक है। इसके डेबिट में सारे एक्सपेंस और लॉस आएंगे, और क्रेडिट में इनकम और गेंस, ठीक है। क्या क्या आएगा इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी आएगा, कमीशन, बोनस, रेमुनरेशन, रिजर्व, रेंट, ये सब इसमें रिकॉर्ड होगा। देखिए ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स हैं आपके, ध्यान रखना, इसमें एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ले लेते हैं, ये बहुत बड़े टॉपिक हैं बच्चों, बहुत क्लियर करना पड़ेगा आपको, है ना, समझ में आया आपको इतना, ठीक है। देखिए फॉर्मेट ऑफ पी एन एल एप्रोप्रिएट क्या कहता है, व्हाट इज़ एप्रोप्रिएट, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एप्रोप्रिएट कहाँ से आ रहा है, लास्ट ईयर से, अगर लास्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ है तो वो यहाँ जनरेट होगा, लेकिन ध्यान रखना ये बिफोर एप्रोप्रिएट है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है ये बिफोर एप्रोप्रिएट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन आता है बच्चों को क्वेश्चन करने में कि बिफोर आफ्टर में, बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अभी तो सिंपल सा फॉर्मेट देखते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, पनिशमेंट है, पनिशमेंट कौन देता, फर्म देती है, तो ये इनकम जनरेट करती है फिर फर्म, ये आपको पनिशमेंट दे रही है पार्टनर्स को, पार्टनर्स को पनिशमेंट है ये कि फर्म अपनी इनकम जनरेट कर रही है। और यहाँ पर इंटरेस्ट लोन देखिए मैंने एक लिखा है यहाँ पर इंटरेस्ट लोन, ये इंटरेस्ट लोन यहाँ पर आप नहीं भी लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ये इंटरेस्ट लोन आप नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दें तो बहुत सही है, क्योंकि ये पीनल अकाउंट में आता है। ये मैं इसी टॉपिक की बात कर रहा था कि मैं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा सिखाऊंगा बाद में, ठीक है, ये बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा क्योंकि ये लॉस है, ये रिवॉर्ड है, क्या ये रिवॉर्ड है पार्टनर्स को, क्योंकि पार्टनर्स को पहले पनिशमेंट दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के तौर पर देखिए पनिशमेंट दे रही है, फर्म इसको रिवॉर्ड देगी क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करेंगे पार्टनर्स, और रिवॉर्ड लो, विदड्रॉल करोगे तो पनिशमेंट करेगी, ड्राइंग लेगी, इंटरेस्ट लेगी आपसे फर्म, ठीक है। तो ये पनिशमेंट है, ये रिवॉर्ड है, सैलरी, कमीशन, बोनस, रेमुनरेशन आ रहा है, ये रिजर्व, मैं यहाँ से एक ना रिजर्व भी थोड़ा सा हटा देता हूँ, लेकिन इसको मैं राइट भी करूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है और नहीं भी, इसलिए मैंने क्वेश्चन में गिवन लिखा और नहीं भी है तो ले लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे रेंट को थोड़ा सा ऐसे हटाना पड़ेगा। ये भी मैंने क्यों हटाया, इसका भी लॉजिक है। तो दो चीज़ें मैंने दो गए इस अकाउंट में से हटा दी, समझ गए आप कि अब ये दो चीज़ें इसमें
नहीं आएंगी, ठीक है। और एक मैं बना रहा हूँ कमीशन पर, कमीशन दो होता है, जनरल कमीशन और मेजर कमीशन। तो मेजर कमीशन भी इसमें नहीं आएगा, वो भी मैं बताऊँगा क्यों। तो ये तीन चीज़ें मैं आपको बाद में सिखाऊँगा। अब इसमें आना क्या, देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, रेमोरेशन और प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है, और यह लॉस। तो नेट प्रॉफिट से हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट, या फिर नेट लॉस से हम लोग निकालेंगे लॉस। तो ये लॉस और ये प्रॉफिट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिवीज़न होगा किसमें, पार्टनर्स में, और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में। तो उसके तीन रेशियो होते हैं, इसको बोलते हैं डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्रीमेंट में है तो मिलेगा, कैपिटल रेशो ये भी एग्रीमेंट का टॉपिक है, अगर दोनों नहीं है तो एज्यूम कर लेंगे कि इनको हम लोग एज्यूमिंग डेट में ले लें और इक्वल शेयरिंग कर लेंगे पार्टनर्स, ठीक है। तो मैंने आज की क्लास में आप लोगों को बताया कि जो भी प्रॉफिट होते हैं वो बिफोर लेने हैं, यानी कि आपको नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, बिफोर चार्जिंग। तो यानी कि बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या है वो बाद में सिखाऊंगा, आफ्टर का मतलब क्या है वो भी नेक्स्ट की क्लास में। आप पी एन एल अकाउंट से कैसे पी एन एल अप्रोप्रिएट में चार्ज हो रही हैं चीज़ें वो बताया जाएगा, चार्ज कहाँ करते हैं और अप्रोप्रिएट, देखो चार्ज जो भी चीज़ करेंगे वो बेटा पी एन एल में करेंगे, जो कि चार्ज होंगी अगेंस्ट किसके, प्रॉफिट्स के, ठीक है, बिफोर में। और अप्रोप्रिएट में जो भी चीज़ें आएंगी वो क्या करते रहेंगे हम लोग, आफ्टर, आफ्टर क्या क्या करेंगे, बिफोर क्या क्या होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अपनी बात समझाने की, आई होप कि कई बच्चे मेरी वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो उनको थोड़ा बहुत तो मेरे वीडियो के अंदर इंटरेस्ट आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स को भी ये जो भी मेरी वीडियो है उनके बारे में बताएं, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर, बेल बजाना ना भूलें। और इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, कैसे टी एस गिवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया जाए, बोर्ड में कितने वेटेज का क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट पेपर में कैसे हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करें, और अनसोल्व क्वेश्चन जब करते हैं तो कैसे हम उसको समझें और कैसे उसकी लाइनों के जो भी हेर फेर होते हैं, जो भी उसकी लाइनें पिचिंग लाइन्स होती हैं, उसको कैसे फॉर्मेशन को हाईलाइट करें, कैसे क्वेश्चन को समझें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को रटा दी जाती हैं। लेकिन मेरा मकसद बच्चों आपको रटाना नहीं है, बहुत इजी वे में बेटा आप लोगों को समझाना है, लेकिन थोड़े पेशेंस रखने होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जहाँ पर भी कोचिंग पढ़ रहे हैं वहाँ शायद आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा या होने वाला होगा, नए चैप्टर स्टार्ट हो गया होगा। लेकिन मेरा आपका मेरे को आपका काम जो आप कर रहे हैं उनमें डिस्टर्ब करना नहीं है, आप अच्छा पढ़े, आगे बढ़े, मेरी तरफ से गुड लक है। लेकिन मेरा मोटो ये है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही आराम से धीरे धीरे पेशेंस के साथ आपको सिखाऊँ कि हर चीज़ में मीनिंग क्या होता है, क्यों होता है, बेसिक क्या है, डेप्थ क्या है, मैं आपको डेप्थ नॉलेज देना चाहता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स एक बार ट्राई ले रहे हैं या सोच रहे हैं अभी या ज्वाइन कर चुके हैं, इट्स ओके, लेकिन एक बार अमित कॉमर्स में आइए, विजिट करिए, और बहुत सारे टॉपिक जो प्रैक्टिकल्स हैं मैं आपको पर्सनली बैठ के करा सकता हूँ, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। हम लोग संडे को ही क्लास लगा रहे हैं, हर संडे को 2 घंटे की हमने स्पेशल क्लास लगा दी, जो बच्चों का प्रैक्टिकली खुद अजमेर के अंदर मेरे सेंटर जो कि जवाहर है उसके पास है, वहाँ अन्ना सागरिंग रोड पर और एक बजरंगंज पर है। तो जो भी बच्चे 12 क्लास लेना चाहते हैं वो फ्री एंड कॉस्ट आएँ, विदाउट टेंशन, आराम से पढ़ें, इजीली गोइंग पढ़ें और आगे बढ़ें, कोई 12 क्लास है, बोर्ड है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अमित श्रीवास्तव नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी आपके बीच होऊंगा, जहां मैं आपको एप्रोप्रिएट अकाउंट और पी एन एल अकाउंट के बारे में डिस्कस करूंगा कि बिफोर और आफ्टर चार्जिंग क्या होता है, क्योंकि कन्फ्यूजन यही बच्चे को होता है, तो कमीशन में कि कमीशन बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग आता है, रिजर्व के अंदर, रेंट पेड टू पार्टनर, और कैसे पी एन एल अकाउंट और एप्रोप्रिएट के अंदर एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो थोड़ा सा क्रिटिकल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना, क्वार्टरली मेथड क्या है, मंथली क्या है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम बहुत अच्छा डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लेस देन है, मोर देन है, एज ए चार्ज है, एज ए कैपिटल रेशियो कॉन्ट्रीब्यूशन है, वेटेड मेथड, डिफरेंट डेट मेथड है। तो आई होप कि हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।